नमस्कार। आज हम री, री के उच्चारण, री की विशेषता, री के प्रयोग और री अक्षर से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। री, री का उच्चारण री है और इसकी मात्रा सी की तरह बनती है। री की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे री वर्णमाला का सातवां स्वर है। वर्णमाला में स्वर होते हैं अ आ ई ई ऊ ऊ री, सातवें नंबर पे आता है री। नंबर दो, अनुनासिक रूप नहीं होता। री का अनुनासिक रूप नहीं होता, यानी कि चंद्रबिंदु, अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु रूप नहीं होता। नंबर तीन, री की मात्रा व्यंजनों के नीचे जुड़कर लगती है। व्यंजन यानी के क ख ग घ। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे जुड़कर लगती है, जैसे क, क के नीचे री, क्री बन गया क्री, द, द के नीचे री, द्री। ऐसे ही र व्यंजन में री की मात्रा नहीं लगती। र व्यंजन य र ल व, तो र जो व्यंजन है उसमें री की मात्रा नहीं लगती। चलिए अब हम इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं। क, क के नीचे हम री की मात्रा लगाते हैं तो क्री बनता है, क्री। जैसे क्री से बनेगा कृषि शब्द कृष्ण। व के साथ में हम री की मात्रा लगाएंगे तो व्री बनेगा, व्री। शब्द बनेगा व के नीचे री अक्ष, वृक्ष। वृष भ, वृषभ। नंबर दो, श, श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर श्र बनता है, श्री बनता है, श्री। एग्जाम्पल श्रृंगार, श्रृंखला। अक्षर वाले शब्द यानी री अक्षर से शुरू होने वाले शब्द, ऋषि, ऋषभ, ऋतु, ऋग्वेद, ऋणात्मक। धन्यवाद।